नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ में टप्पल ब्लॉक के जैतपुरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल बचाओ गोष्ठी के तहत लोगों को जल संरक्षण का महत्व बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेल तक पानी पहुंचे, तालाब पोखर भर जाए और घर घर नल पहुंचे, जिससे शुद्ध पानी लोगों को मिले। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ पानी नल के माध्यम से लोगों को मिले, यही प्रधानमंत्री का सपना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गुंडे माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कल्पना करो, नेता कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए। अब परिवर्तन आया है, 2014 के बाद लोगों की सोच बदली है, काम करने का तरीका बदला है, रहन सहन बदला है, सोने का तरीका बदला है। लोग मित्रों, पहली बार ऐसा हुआ है, अब राज्य के अंदर जात की चर्चा नहीं होती है, मुस्लिम तुष्टिकरण की चर्चा नहीं होती है, गुंडागर्दी की चर्चा नहीं होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होती है। आम आदमी पार्टी नेता अशोक तनवर आज फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर आप में शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई और कहा कि फरीदाबाद में आप पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा में आप पार्टी मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हरियाणा में बेहतर नतीजे आएंगे। देखिए साहब, हमारा जो बीजेपी और भाजपा से जो प्रेम था वो केवल गरीब लोगों के कल्याण के उनके जो वादे थे उस पर था। अब पिछले 3 साल में लोग गरीबी से और ज़्यादा नीचे पहुंच गए। आज देश की दशा ये है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार का 5 किलो गेहूँ हर महीने मांग करके उससे गुजारा करने पे आ गई है स्थिति। तो हम इसको कैसे बेहतर मान, इससे बेहतर तो पहले रहे थे। तो अब वो सब देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद गरीबों के लिए अच्छा सोच पाने की क्षमता में तो केवल आम आदमी पार्टी है। श्रावस्ती में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में सीएमओ डॉक्टर एपी भार्गव भी अध्यक्षता में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 12 से 27 मई के बीच जिले में चलाई जाने वाली फाइलेरिया मुक्ति अभियान को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। सीएमओ ने बताया कि फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रमण रोग है। इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई कि फाइलेरिया मुक्ति अभियान में 10,32,000 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले में 1,075 टीमें बनाई गई हैं। जनपद में ब्लॉक स्तर पर 128 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं ताकि मरीजों की हर संभव मदद की जा सके। जनपद में मलेरिया उन्मूलन के लिए NDA कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत 12 मई से 27 मई के बीच में DEC और एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 1,075 टीमें हमारे जनपद में बनाई गई हैं और इस दौरान हम लोगों को 10,00,000 से ऊपर लोगों को गोली खिलाई। देवरिया सदर SDM सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और प्रशासन के बुलडोजर चलने पर दुकानदारों ने नाराजगी जताई, लेकिन प्रशासन के अधिकारी का कहना है कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और हफ्ते भर के अंदर मंगलवार और बृहस्पतिवार को ये अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्र में आ रहे रोज जाम की समस्याओं से निपटने के लिए नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाओ एक व्यापक अभियान चलाया गया है। जो 30 दिन का रोस्टर बनाया गया है, जिसमें मंगलवार और बृहस्पतिवार को सप्ताह के हर मंगलवार बृहस्पतिवार पर अभियान चलाया जाएगा। आज बुधवार को ये गोरखपुर देवरिया रोड पर ये अभियान चलाया गया है, नगर को अतिक्रमण। खबर और
खगड़िया से है, जहां जनपद के बिधूना कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की की 10 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन पैसे के लालची ससुराल वाले लड़की की बारात लेकर नहीं आए, जिससे पिता को काफी जिल्लतों को झेलना पड़ा, जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की। बता दें कि लड़के के ऊपर रेप केस के भी आरोप लगाए गए हैं। खबर औरैया जनपद के बिधूना कोतवाली से है, जहां एक युवती पर एक दबंग ने अचानक हमला कर दिया। दबंगों से इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं युवती की आवाज सुनकर कई लोग मौके पर पहुंचे। हमले के बाद से दबंग फरार हो गए और युवती को इलाज के लिए लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सैफई के लिए उसे रेफर कर दिया गया। गाजियाबाद में सोशल मीडिया का खुमार युवाओं पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया है। लगातार यहां के युवाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसके बाद पुलिस उनका संज्ञान भी लेती है और कार्रवाई भी करती दिखाई देती है। इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ट्रैफिक पुलिस ने 4 वायरल वीडियो के संज्ञान लेते हुए चालान किए हैं। ट्रैफिक SSP रामानंद कुशवाहा ने जानकारी दी कि जनवरी से अब तक 22 लोगों के खिलाफ चालान किए जा चुके हैं और 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमीरपुर के शिवनी डेरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब अचानक ग्रामीणों ने खेत में दबे कंकाल को देखा। कंकाल को देखते ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। वहीं तहसीलदार की मौजूदगी में उसको बाहर निकाला गया और पहचान की गई तो पता चला कि लगभग 2 हफ्ते से मिट्टी में दबा कंकाल कोई और नहीं बल्कि 5 महीने से लापता मूलचंद निषाद का है, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर भी लापरवाही करने का आरोप लगाया। कल थाना मुस्करा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरनी डेरा ग्राम में एक अज्ञात शव क्या कंकाल जैसी स्थिति अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उसके द्वारा आसपास के लोगों में खबरें फैलाई गई और पंचायतनामा चुकी इसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाना था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई। इसके अतिरिक्त थाना हाजा पर ही एक अभियोग 280/21 पंजीकृत था, जिसमें 365 यानी अपहरण का मुकदमा लिखाया गया था वादी के द्वारा। उस व्यक्ति की भी बरामदगी नहीं हो पा रही थी। वादी को सूचित किया गया कि एक बार आकर के उसमें शव को देख लें। वादी के द्वारा आकर के शव की शिनाख्त की गई और उस व्यक्ति की पहचान मूलचंद के नाम से हुई है और पंचनामा की आदि की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व के अभियोग में जो नामित आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा अभी रक्षा में लिया गया है और पूछताछ करके अग्रेतर विधि कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। अंकित शर्मा, जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी मुरादाबाद। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग? आज ये ऐसा हुआ, हम लोगों ने एक DM साहब को ज्ञापन दिया है। अभी बाबा साहब की जयंती पर कुछ दिन पूर्व में एक ग्राम छजूपुरा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित जी एवं वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके नेतृत्व में एक मूर्ति की स्थापना प्रशासन की देखरेख में की गई, जिसमें मौके पर SDM साहब भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे, CO क्वांट भी वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद इन लोगों ने एक नोटिस जारी किया मोहित जी के खिलाफ में और ग्राम प्रधान और बाकी 6-7 लोग हो रहे हैं, बाकी कुछ लोग अज्ञात में, कि आप इस मूर्ति को हटवाओ और अन्यथा हम इस पर मुकदमा लिख देंगे। उन्होंने इस पर तत्काल मुकदमा लिख दिया है। कुशीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और अंतरजनपदीय वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से चोरी की 6 बाइक और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाली पटौना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतरजनपदीय वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम सुलेमान और मोहम्मद राफे हैं। इनके पास से 6 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध तमंचे भी मिले हैं। ये कुशीनगर क्षेत्र से और आसपास के जनपदों से बाइक चोरी का काम करते थे और उनको विभिन्न ग्राहकों को ये सप्लाई किया करते थे, बेचा करते थे। इनको किस ग्राहक को ये बेच रहे थे, इस सभी तथ्यों की जानकारी पुलिस कर रही है।
लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव में तिलक समारोह की तैयारियां मातम में बदल गई और शादी वाले घर में व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची नीमगांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले में परिजनों ने पुरानी रंजिश की वजह बताते हुए जांच की मांग की। हमारा नाम भगवान दीन। कहाँ रहते हैं? मुड़िया में। क्या मामला है, आज आपके बच्चे की डेड बॉडी मिली है? बाबू जी, मेरे अगले के हमारे केवल संजय भाई इधर से गए और हमारे घर में कोई बात विवाद अभी तक नहीं हुआ। अगहन में हमारे खेत पर हमारे बगौड़ी मारिया था, हमारे छोटे भाई रामपाल के बगौड़ी मारा था, तब से उनका वो विवाद चल रहा है। उन्नाव पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और बीते 9 मई को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस तरह घटना अंजाम दिया गया था, क्या खुलासा हुआ है? थाना 12 सगवर जनपद उन्नाव में एक व्यक्ति की अज्ञात लाश मिली थी। उसका जब हमने तहकीकात किया, विवेचना किया और उसके सर्वेलांस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जब हमने छानबीन की तो पता चला कि इसकी हत्या गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। उस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक जो पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र का प्रेम संबंध उसके जो हमारा अभियुक्त है उसके बहन के साथ था, जिसकी वजह से लोग समाज में उसकी निंदा हो रही थी, जिसके चलते उसने पुष्पेंद्र की हत्या कर दी। जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। जो मृतक का मोबाइल फोन था वो भी बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले एक बिजनेसमैन को एक युवती ने अपने घर पर बुलाकर कुछ युवकों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इसी के साथ और बिजनेसमैन के पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पीड़ित पिता ने ये सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक का लोकेशन ट्रैक कर युवती के फ्लैट पर जाकर मौके से युवक को न केवल सकुशल छुड़वाया बल्कि 2 अपहरणकर्ताओं को भी दबोचने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी युवती, उसकी माँ सहित एक युवक फरार है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। मेरा नाम है नरेश सलूजा। चलो जी, आपके बेटे के साथ मारपीट हुई, बंधक बनाया गया, कब की घटना है और क्या है पूरा मामला? घटना ये है, देखो एक बेटा को तो वहाँ दुकान से बुलाया गया था, लेडीज ने फोन किया था आगे गाड़ी देख जाओ या कोई भी है, हमारा गाड़ियों का ही काम है ऑलरेडी, स्पेयर पार्ट का, तो आप गाड़ी आगे देख जाओ, हमने गाड़ी बनवानी है। ये अब बेटा गया, चला गया ईपीटीपी, चला गया डीपीटीपी, चला गया। चले जाने के बाद 11 बजे गया, 11 बजे के बाद हमारे पास सूचना आई 2:30 बजे। अच्छा, मेरे फोन पे नहीं, अपना जितेंद्र यादव के फोन पे आया, बेटे का दोस्त पे आया, जो हमारा बेटे का दोस्त है उसके फोन पे आया। तो वो बोल रहा है आपके बेटे को मार रहे हैं और ऐसी बात है, 2.5 या 5 लाख रुपए की डिमांड रखी है, मार रहे हैं और आपका बेटा कह रहा है पैसा लेके आ जाओ, पापा जी मुझे मार रहे हैं। दिनांक 9/5/2022 की बात है। दोपहर 2 से 3:30 बजे के करीब खेड़ीपुर थाने के क्षेत्र में एक फ्लैट है और फ्लैट में एक लड़की ने, कोई कमल सलूजा नाम का लड़का है, उसके पास कॉल की। उनकी पहले दोस्ती थी आज से 20-25 दिन पहले, जैसा कि उसने बताया है, तो दोस्ती के कारण उससे उसके जब बात की तो बाद उसने फ़ोन करके बुलाया था लड़की ने, और जब वो लड़की ने वहाँ बुलाया फ्लैट में तो फ्लैट में पहले ही 2-3 लड़के मौजूद थे और इन्वॉल्वमेंट अभी कहा नहीं जा सकता कि उसकी मम्मी की भी है, लेकिन नाम सामने आ रहे कोई शीला नाम की है, तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अलीगढ़ के कुंवर नगर कॉलोनी के वार्ड नंबर 72 में करीब 4 साल पहले पड़ी पाइपलाइन में आज भी पानी नहीं आ रहा है। ये पाइपलाइन आज भी सूखी पड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि यहाँ की पाइपलाइन को अभी तक ओवरहेड टैंक और नलकूप से जोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इस पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए मात्र एक ही सरकारी नलकूप है जो कि बंद पड़ा हुआ है। यहाँ की लगभग 20,000 लोगों की आबादी है और सैकड़ों परिवार पानी न मिलने की वजह
से प्रभावित हो रहे हैं। इस इलाके में कुछ रसूखदार लोगों ने समरसेबल पंप लगवा लिया है और यही लोग गरीब परिवारों को पानी दे रहे हैं। पाइपलाइन बिछी थी और 4 साल हो चुके हैं उस पाइपलाइन को, अब तक पानी नहीं आया। 1500 परिवार हैं, 20,000 की आबादी है, 1 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी के लिए। क्यों सर पाइप में पानी नहीं आया? वार्ड नंबर 72 पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में था और इसको नगर निगम क्षेत्र में पिछले सीमा वृद्धि हुई है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो वहाँ पे नगर जल निगम ग्रामीण की कोई योजना है, अगर कोई योजना है तो उसको हम पता करा लेंगे। नगर निगम से जो विस्तारित 10 वार्ड हैं उनके लिए अमृत 2.0 में बृहद कार्य योजना तैयार की जा रही है और उसको कार्य योजना तैयार करके भारत सरकार को भेजी गई है जल निगम द्वारा और इस पर शीघ्र निर्णय हो जाएगा। तो 10 वार्ड जो नगर निगम में सीमा वृद्धि में सम्मिलित हुए हैं उनमें उनको 2024 तक पूर्ण से संतृप्त वाटर सप्लाई संतृप्त कर दिया जाएगा। मेरा नाम है सुभाष चंद्र जी। अच्छा, पानी को लेकर यहाँ किस तरीके की समस्या है? इसे नल पे जो 20 घर हैं पानी के लिए और एक ही नल के ऊपर मतलब 8-5 साल हो गए और तब से ना बना है ना सुनवाई हुई इसकी जो है, और आते हैं मतलब सर्वे करके चले जाते हैं, दिलासे दे जाते हैं बनाएंगे आज तक नहीं बना। टैंकर आता है उससे पानी पीते हैं, ले लेके कभी ख़त्म भी हो जाता है तो मतलब पानी लेने वो मूल भी लेना पड़ता है पानी जो है पीने के लिए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।